जय हिंद। आपके अपने चैनल न्यू स्टडी 24 के ब्रह्मास्त्र सीरीज में आज हम टेस्ट नंबर 49 यानी कि 49 नंबर टेस्ट सीरीज का हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखिए 49 नंबर टेस्ट सीरीज का जो टॉपिक था वो था संवैधानिक निकाय, असंवैधानिक निकाय और अन्य संवैधानिक आयाम। और ये टॉपिक से जो है 3 से 4 साल से जो लगातार जो इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है। तो आप जो है संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय और अन्य जो है इसके जो आयाम है उनको जो अच्छी तरह से उस पर जो है पकड़ बना लीजिए ताकि यहाँ से एक भी क्वेश्चन जो नहीं छूटा जाए। और यहाँ जो है जितने भी जो है यहाँ जो है आयोग से रिलेटेड है तो जितने भी आयोग हैं उसके जो है CEO या कहीं तो चेयरमैन इन सब का जो आप जो है वर्तमान के दृष्टिकोण से जो करेंट अफेयर अगर बन रहा है तो उसे जो है आप जरूर जो है याद रखें। और उस आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं उसके क्रम भी जो आपको याद रख लेना है। उसके बाद स्थापना जो है उसका यानी कि गठन कब हुआ था, उसके बाद जो है उसका जो है कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, इन सारे चीज़ जो है यहाँ से जो पैटर्न जो है बन रहे हैं तो इन सभी बातों को जो आपको ध्यान में रखना है। तो ज्यादा न देर करते हुए चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन था भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है। बोल रहा है कि संघीय वित्त आयोग जो है वो जो किससे संबंधित है। तो देखिए अगर इसकी बात करें तो यह जो है संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगामों का जो है वितरण करता है। किसके किसके बीच हम बोले तो संघ एवं राज्य, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त से। अगर इसकी बात करें कि ये जो संघ वित्त आयोग है ये जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो देखिए ये जो है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आते हैं। और अगर पूछ दे कि इसका जो गठन जो होता है कितने वर्ष पर होता है, तो देखिए इसका जो गठन है वो जो 5 वर्ष पर जो है होते रहता है। और किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है याद रखना है। अगर इसकी सदस्य की बात करें तो देखिए इसमें जो है इस वित्त आयोग में जो है एक अध्यक्ष होते हैं और जो है 4 जो है सदस्य होते हैं। और यह जो एक संवैधानिक निकाय, इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन याद रखना है, जो यह जो है संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है, इस टाइप से भी क्वेश्चन जो पैटर्न पूछा जा सकता है, तो यह भी आपको याद रखना है। अगर बात करें कि अगर 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो देखिए 15वां वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है वो जो है NK सिंह, क्या है, NK सिंह। और अगर 4था वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर PV। और अगर फर्स्ट अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष थे कौन, थे KC नियोगी थे। तो इतने फैक्ट को आपको याद रखना है। अब देखते हैं दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, पिछली जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, काका साहेब कालेलकर। देखिए अगर इसके बारे में हम बात करें पिछली जाति आयोग, तो पिछड़ा वर्ग जो है आयोग जो है जिसे इंग्लिश में हम शॉर्ट टर्म में जो NCBC कह सकते हैं, तो आपको याद रखना, अगर आपको NCBC दे दे तो आपको इसका जो है फुल फॉर्म याद रखना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। अगर इसकी हम स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो 1993 ईस्वी में की गई थी। और अगर पूछते कि किस संशोधन अधिनियम के तहत, तो यह जो 102वें संशोधन अधिनियम के तहत, अगर पूछ दे कि यह जो संशोधन जो था ये 102वें संशोधन अधिनियम वो जो उसके अंतर्गत जो कितने नंबर के अनुच्छेद में, तो आपको यह भी याद रखना है अनुच्छेद 338B याद रखना है, क्या बी ए बी जो होता है उसी का बी याद रखना है। क्वेश्चन आपको फंसा सकता है, बी भी देगा ऑप्शन में, आपको 338 तो सेम देगा लेकिन आपको बी कर देगा, कहीं पे सी कर देगा, फिर डी कर देगा, कहीं पे ए कर देगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए है। तो अनुच्छेद वही 338 ही, तो आपको उसमें स्पेशल आपको जो ध्यान रखना है वो जो याद रखना है 338B। अब अगर इसकी बात करें सदस्य की, तो इसके जो है एक अध्यक्ष होते हैं, 3 उपाध्यक्ष होते हैं और जो 3 जो है अन्य सदस्य होते हैं। और अगर इसकी नियुक्ति की बात करें तो देखिए इसकी नियुक्ति जो होती है वो जो राष्ट्रपति के द्वारा जो उसके हस्ताक्षर एवं मोहर के माध्यम से होती है। अब देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा। देखिए अगर राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें, इसे जो है शॉर्ट टर्म में जो है SPSC भी जो है आपको मिल सकता है देखने को, तो आपको याद यह भी याद रखना है SPSC का मतलब होता है राज्य लोक सेवा आयोग। तो वहीं अगर बात करें कि यह जो है कितने नंबर के भाग में जो है यह जो है उल्लेख किया गया है इसके बारे में, तो इसे जो है 14वें भाग, क्या बोले, 14वें भाग में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 में, मतलब क्या 315 से 323 तक के जो अनुच्छेद है उसमें जो है ये सभी चीज़ों को जो रखा गया है। अगर बात करें कि इस इतने के बीच में 315 से 323 के बीच में कौन कौन से चीज़ है, तो आयोग की स्वतंत्रता, उसकी शक्ति, गठन
और नियुक्ति जितने भी है सभी का जो उल्लेख जो है किया गया है। अगर बोले कि राज्य लोक सेवा आयोग के कितने सदस्य होते हैं, तो एक अध्यक्ष होते हैं और जो है अन्य जो है सदस्य होते हैं। अगर इसकी नियुक्ति की बात करें तो राज्य के राज्यपाल द्वारा इसका जो है नियुक्ति होती है, और अगर इसकी सेवानिवृत्ति की बात करें तो 62 वर्ष। देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। वहीं अगर बोल दे कि संघ की लोक सेवा आयोग में जो है कितने साल पर जो है सेवानिवृत्ति होती है यानी रिटायरमेंट, तो देखिए आपको याद रखना है संघ की बात करें तो 65 वर्ष, अगर राज्य सेवा संघ की बात करें केंद्र सेवा संघ में 65 वर्ष, और अगर राज्य सेवा संघ की बात करें तो 62 वर्ष। ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। अब इसकी अब निष्कासित बात करें कि इसे जो है पद से कैसे हटाया जा सकता है, तो सिर्फ जो है इसे जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही जो है हटाया जा सकता है। और इसके कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है, और यह जो है संवैधानिक निकाय है। इतने फैक्ट को आपको याद रखना है। अब देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो हम सबसे पहले ही बता दिए, जब हम वित्त आयोग के बारे में बता रहे थे 1 नंबर के क्वेश्चन में, वहीं पर बताए थे कि कितने नंबर के अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन, भारत के महान न्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। देखिए अब इसके बारे में हम महान न्यायवादी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जैसे ही महान न्यायवादी का जिक्र होगा तो आपको क्वेश्चन जो इंग्लिश में कभी कभी पूछ देता है, महान न्यायवादी नहीं लिखेगा और आपको बोल देगा कि अटॉर्नी जनरल। तो आपको यह याद रखना है कि इंग्लिश में जो है महान न्यायवादी को ही जो है अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में और, तो देखिए इसका जो है जिक्र जो है महान्यायवादी का जिक्र जो है अनुच्छेद 76 के तहत हुआ है। कितने नंबर के, तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत हुआ है। अब देखिए उसके अगर मुख्य काज की बात करें तो यह जो है भारत सरकार की विधि यानी कि हम कहें तो कानून संबंधी विषयों पर क्या करता है, यह जो है अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी जो है सलाह देता है, परामर्श देता है। और अगर इसके अधिकार क्षेत्र की बात करें तो यह जो है भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में जो सुनवाई का अधिकार रखता है, और जो है संसद के दोनों सदनों में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार भी इसके पास है। तो इतने फैक्ट जो है आपको याद रखना है। अब देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंध के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है। तो किसके द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, वित्त आयोग के द्वारा। अब देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है। तो अभी तुरंत हम बताएं कौन परामर्श देता है, तो अटॉर्नी जनरल देता है। इसे जो है हम हिंदी में जो महान न्यायवादी कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है। देखिए अभी हम इससे पहले हम किसके बारे में बात किए थे, राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में, और यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ गया है, संघीय लोक सेवा आयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए अगर इन दोनों में डिफरेंस की बात करें, राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग यानी कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग की बात करें, तो उसमें सारा चीज़ जो है सेम है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, तो उसकी सेवानिवृत्ति यानी जो रिटायरमेंट जो होते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग में क्या बोले थे 62 वर्ष, और जो है केंद्र लोक सेवा आयोग में जो आपको याद रखना है 65 वर्ष। इतने फैक्ट अगर याद है तो आप जो है इसमें कन्फ्यूज आपको जो नहीं होगा। अब देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, अनुच्छेद 324। देखिए ये जो निर्वाचन आयोग जो है यह जो है एक अस्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है। क्या है, अस्थायी एवं स्वतंत्र यानी कि स्वतंत्र है। अगर इसके गठन के उद्देश्य की बात करें क्यों किया गया था, किस उद्देश्य से, तो यह जो देश में जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए जो इसका जो गठन किया गया था। और अगर बात करें यह जो है कितने नंबर के अनुच्छेद में वर्णित है, तो यह जो संविधान के अनुच्छेद 324 में वर्णित है। और अगर इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें क्या, तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यह जो आपको मेंस में काम आएगा। अगर इसके हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो 1950 से 1989 तक जो है यह जो आयोग है एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करता था, किंतु 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने आयोग के काम के भार को कम करने के लिए 2 अन्य निर्वाचित जो है आयुक्त को नियुक्त किया। फिर जो है 1990 में क्या किया, जो निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त किया था 2, उसको क्या कर दिया, फिर जो है उस पद को समाप्त कर दिया। फिर उसको पुनः जो है 1993 में फिर ले आया। और वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में जो 3 निर्वाचन आयुक्त है, और अगर इसके कार्यकाल की बात करें तो कितने वर्ष होते हैं, तो 6 वर्ष होते हैं।
इतने फैक्ट जो है आपको याद रखना है। अब 10 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष सहकारिया आयोग जिसे केंद्र राज संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था उन्होंने अपना प्रतिवेदन जमा किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 1987। अब देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है, भारत सरकार की नीति NITI इसे जो है आपको याद रखना है, तो यही जो बोल रहा है कि भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है उसमें जो है नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, बोला कि नीति जो शब्द है उसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अब देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया। अगर हम नीति आयोग के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को हुई थी और यह जो है पुराने योजना आयोग जो थे उसको जो है भंग करके जो है नीति आयोग को जो है लाया गया था। अगर बात करें इसके बारे में निकाय के बारे में तो यह जो है ना ही संवैधानिक है ना ही वैधानिक निकाय है, तो फिर क्या है, तो यह जो है गैर संवैधानिक संवैधानेतर निकाय है। क्या है, गैर संवैधानिक। अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री जो इसके अध्यक्ष होते हैं, और अगर इसकी उपाध्यक्ष की बात करें तो इसकी उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री के द्वारा जो है किया जाता है, इतने फैक्ट को आपको याद रखना है। अब देखिए 13 नंबर के क्वेश्चन है, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, भारत का महान्यायवादी, क्योंकि हम बताए थे कि परामर्श भी देता है यह जो है विधि के बारे में, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा सी हो जाएगा। अब देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है, तो देखिए राज्य सरकार का कौन कानूनी सलाहकार है, तो महाधिवक्ता होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा अनुच्छेद 148। देखिए अगर इसकी बात करें तो इसे जो है संक्षेप में जो महालेखा परीक्षक भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, महालेखा परीक्षक। अगर इसके कर्तव्य की बात करें तो भारत के संविधान एवं संसद की विधि यानी कानून के तहत जो है वित्तीय प्रशासन को जो है संभालना जो इसका क्या है कर्तव्य है। अगर कथन के अनुसार बात करें, देखिए ये जो कथन जो है ये जो फैक्ट जो है ये आपको मेंस में काम करेगा, तो यह जो अगर इसके कथन की बात करें तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर के अनुसार कथन के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। यह जो किसने कहा था, B.R. अम्बेडकर ने कहा था। अगर इसकी नियुक्ति के बारे में बात करें तो इसकी नियुक्ति जो राष्ट्रपति के द्वारा होती है और इसकी जो कार्यकाल जो है 6 वर्ष होती है। अगर सबसे महत्वपूर्ण जो कोई चीज़ होता है इसमें तो वो है अनुच्छेद 149। क्यों, तो देखिए यह जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियों का जो यह जो है वर्णन करता है, तो आपको अनुच्छेद 149 जो है आपको याद रखना है। अब देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद जो है सृजन किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा संविधान द्वारा। देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है कितने वर्ष के लिए, तो अभी तुरंत हम बताए थे कि 6 वर्ष के लिए इसका कार्यकाल होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है, तो कौन सा करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा अनुच्छेद 149। अभी तुरंत हम बताए थे कि ये जो है अनुच्छेद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपको याद रखना है। अब देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन है, किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग यानी कि लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य जो है केवल सरकारी लेखा तक ही जो है सीमित रह गया है, इसका आंसर क्या आ जाएगा सी हो जाएगा 1976 में जो है यह जो है काज किया गया था। देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा कार निम्नलिखित का जो है एक जो है मित्र एवं मार्गदर्शक होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा लोक लेखा समिति। अब 21 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए हम आपको बताए थे कि जितने भी जो है अध्यक्ष होंगे चाहे उसके जो है कोई भी उपाध्यक्ष होंगे चाहे उसके जो वरिष्ठतम होंगे उसके क्रम जो है आपको याद रखना है, तो वही सब क्वेश्चन पूछा गया कि गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं भारत के, बोल रहे हैं कि क्या बने हैं, तो यह जो है 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है यह जो है बने हैं, तो इसका अभी आंसर आपको याद रखना है किसके अनुसार, तो 2020 के अनुसार बात कर रहे हैं। ये जो है ये करेंट के दृष्टिकोण से बन सकता है, तो आपको जो है ये इस पर जो है ध्यान देना है। 22 नंबर का क्वेश्चन है, समान रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है, बोल रहा है कि
किसके लिए? तो देखिए, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए जो है वित्त आयोग की जो है नियुक्ति की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अब देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक की सिफारिश के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, वित्त आयोग। और वित्त आयोग के बारे में जो हम फर्स्ट क्वेश्चन में जो है विस्तारपूर्वक बताए हैं। अब देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है कितने वर्ष के लिए? तो हम ये भी बताए हुए हैं वहाँ पर कि 5 वर्ष के लिए जो इसका जो है गठन किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अब देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन, वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो ये भी हम बताए हुए हैं कि वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है, तो केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत जो निर्धारित करना। ये थोड़ा डिटेल में दे दिया है वहाँ पर, जो हम जो इम्पोर्टेंट जो है टर्म यानी कि शॉर्ट टर्म में जो वहाँ पर जो हम डिस्कस कर दिए हुए हैं। देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन है, वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है और क्या होता है? तो देखिए वित्त आयोग के अगर सदस्य की बात करें तो वित्त आयोग में जो एक जो है अध्यक्ष होते हैं और 4 जो है अन्य जो है सदस्य होते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन है, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो देखिए योजना आयोग का अंत जो है नरेंद्र मोदी ने किया था, और उन्होंने जो है 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग जो है उसके बदले में जो है लाया था। तो आपको हम बताए थे कि नीति आयोग का जो फुल फॉर्म आपको याद रखना है, तो याद कर लीजिएगा। अब 28 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन जो एक संविधानेतर संस्था है? तो आप ही चूज कीजिए इसमें से कौन है, तो नीति आयोग है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन, भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो क्या कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं, और उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? तो कब की गई थी? तो 6 अगस्त 1952 को जो है यह जो है गठित की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अब 21 नंबर का क्वेश्चन है, हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन है? तो देखिए हमारे देश के प्रथम लोकपाल जो है वो कौन थे? तो न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष थे, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगर बात करें लोकपाल संस्था का गठन जो है किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो यह जो है लोकायुक्त अधिनियम 2013 के प्रावधान के तहत जो है किया गया था। कब? तो 2019 में मार्च में। देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन है, 10 दिसंबर मनाया जाता है किस रूप में? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, मानवाधिकार दिवस के रूप में। तो आपको मानवाधिकार से संबंधित जितने भी फैक्ट है आपको याद रखने देना है, उसके अध्यक्ष कौन है, वर्तमान करेंट अफेयर के दृष्टिकोण से, अगले बार जो करेंट अफेयर जो यहाँ से जो है लिया गया था 66वीं बीपीएससी में, तो इस तरह के क्वेश्चन जो आपको आपको याद रखना है। अब देखिए 33 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो सूचीबद्ध मानवाधिकारों में से नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यह जो है मानवाधिकारों में से जो है नहीं है। देखिए 34 नंबर का क्वेश्चन, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन जो सही है? तो इसमें से चेक कीजिए कौन सा कथन सही है, तो यह अधिनियम जो 28 सितंबर 1993 को जो प्रवृत्ति हुआ था यह जो है बात जो है सही है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अब देखिए 35 नंबर का क्वेश्चन है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य था, बोल रहा है कि इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सभी जो है इसका जो उद्देश्य था मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण, मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, ये सारे जो है इसका जो है उद्देश्य था। 35 नंबर का क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, संथानम समिति की जो है अनुशंसा पर की गई थी। अगर बात करें इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो आपको शॉर्ट टर्म दे देगा आपको CBC और बोलेगा इसका मतलब क्या होता है पूर्ण रूप, तो आपको याद रखना है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, इस तरह के क्वेश्चन भी जो आपको देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए 37 नंबर का क्वेश्चन, मंडल आयोग रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? तो 1980 में जो है मंडल आयोग रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की गई थी। अब देखिए 38 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो हम बताए थे कि चाहे राज्य लोक सेवा आयोग हो चाहे जो है संघ लोक सेवा आयोग हो सभी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। अब देखिए 39 नंबर का क्वेश्चन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि UPSC की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, रोज बैथ्यू जो है इसके जो है प्रथम जो है अध्यक्ष थे, और यह जो है अपने पद पर कब से कब तक रहे थे? तो 1992 से लेकर 1996 के दौरान जो है यह जो है पद पर रहे थे। तो हो सकता है कि अभी भी पूछते अभी करंट के दृष्टिकोण से, तो आपको जो है यह सब जो है आपको देख लेना है। अब 40 नंबर का क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जाता है यानी उसके पद से किसके द्वारा जो है हटाया जाता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा भी जो इसे जो है हटाया जा सकता है क्योंकि हम बताए हुए थे। दूसरा जो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर इसे जो है हटाया जा सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, बी एंड डी यानी कि मोर देन वन यानी एक से ज़्यादा। 41 नंबर का क्वेश्चन है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था, तो देखिए दिनेश गोस्वामी जो समिति था उसका जो संबंध किससे था, तो निर्वाचन सुधार से था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। और इसी की अध्यक्षता में जो 1990 में चुनाव सुधारों पर समिति का गठन किया गया था, इसलिए जो यह जो है इम्पोर्टेंट जो है। अब 42 नंबर का क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी, तो कौन थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, वी एस रमा देवी। तो जितने भी क्वेश्चन थे जो डिस्कस करने वाले थे सारे कुछ वीडियो में डिस्कस कर दिए। आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।